भाई अधिकारी ऋषि जी सम्मान प्रकाश पांडे जी आदरणीय सचिराम जोशी जी मनोहर मैया साहब सभा उपस्थित सभी सुधीर विद्वजन देवियों और सज्जन कायदे से आज यह व्याख्यान प्रोफेसर महेंद्र पांडे को देना था लेकिन कुछ दुखद कारणों की वजह से पांडे जी जो मेरे सहयोगी सहयोगी जो हटा मेरे विश्वविद्यालय में थे उन्हें आज के जैसा जानते हैं कि पंडितों ने हर समस्या का समाधान निकाला है। हवन के समय जब गांव के हाथ में फूल नहीं रहता है तो चावल के दाने से काम चलाया जाता है और कहते हैं अभावे शाली की ओटम था तो अभाव है शाली की ओर के समान और इसका सारा दायित्व भाई अभिदानंद जी को है जिनकी बात मैं टाल रही थी इसलिए आपके सामने मैं इस अवसर पर ये पहला अवसर बेहद ही महत्वपूर्ण स्थिति है कि मैं पहली बार माधव राव जी सप्रे के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने उनका नियोजन देखते हुए पाया कि अप्रैल 1926 में उनका निधन हुआ और जुलाई 1926 को मेरा निधन हुआ और तब मैंने महसूस किया कि कहीं नहीं ऐसा तो नहीं है उनके माध्यम से मैं ही पुनर्जन्म ले रहा हूं। उस आत्मा के बारे में तो अवश्य ही उसका अध्ययन करना चाहिए जानना चाहिए और पूर्ण रूप से मैंने कोशिश की इसमें पहल करने वाले लोगों में हमारे अत्यंत प्रिय देवी प्रसाद वर्मा पहले आते हैं जिन्होंने जब कोई प्रणाम नहीं देता था उस समय उनकी कहानियां प्रकाशित थी उनके निबंध प्रकाशित थी उनकी भिन्न भिन्न रचनाएं प्रकाशित थी और उनके जीवन का पूरा पूरा जबकि जबलपुर वाले घूम गए थे तो भोपाल वालों का तो अपना स्वभाव भय ही बोलते थे संग्रहालय वगैरह बना दिया लेकिन किसी आदमी को अगर तप्न करना हो तो उसका संग्रहालय बना दे जीते जाते आदमी को और वो संग्रहालय के वस्तु के रह जाएगा जबकि कायदे से उसको जंग की आजादी में मैदान का हिस्सा होना मुझे खुशी है और मैं उसको उसका श्रेय देता हूं भाई अभिदानंद जी को श्री संग्रहालय में वंत माधव राव सप्रे संग्रहालय वाले दुकानदारी की होती है कारण उनको मैदान में एक जीवित चेतना के रूप में ले आने की पहल कर रहे हैं इसलिए मैं उनको बनाया और इसलिए मैं आपके सामने माधव राव सप्रे पत्रकार साहित्यकार दोनों थे और भाई अभिदानंद जी कह रहे थे कि एक परंपरा थी जब पत्रकार और साहित्यकार का विभाजन नहीं हुआ हर साहित्यकार पत्रकार होता था अवश्य उसकी खाई होती थी दैनिक निकाले दैनिक नहीं निकाल सके तो साप्ताहिक निकाले साप्ताहिक नहीं तो मासिक निकाले यहां तक कि आचार्य रामचंद्र सुबुद
सदन में निकालने का फैसला किया था कि जब तक एक पत्रिका नहीं निकालेंगे तब तक हमारा साहित्य का धर्म पूरा नहीं होगा। वो किताब लिखने के लिए नहीं बनेंगे पर पत्रिका निकालना कर्तव्य हुआ करता था, लेकिन जैसा कि हुआ करता है कि ताकत और जीवन को तोड़ने वाली शक्तियाँ भी होती हैं और आज ऐसी विडंबना है कि पत्रकार अलग एक शरीर था जिसके दो टुकड़े होते थे, दो हिस्से होते थे, एक पत्रकार का और दूसरा साहित्यकार का, वो अब अलग हो गया।